अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो वेलकम है आपको एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ खेलने की हिमायत कर दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वर्ल्ड कप मैच रवा बरस 16 जून को मार्चिन शहर में शेड्यूल है। दोस्तों, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वीरेंद्र सहवाग का कहना है कि भारत को पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप में जरूर खेलना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर लें और शेयर भी कर दें। दोस्तों, एक तकरीब से खिताब करते हुए भारत के साबिक ओपनिंग बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि वर्ल्ड कप 2019 में 16 जून को मार्चिन शहर के मैदान में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच होगा। दरअसल ये मैच नहीं बल्कि एक जंग है और हमें हर हाल में पाकिस्तान को हराना होगा। दोस्तों, याद रहे कि पुलवामा हमले के बाद भारत के मुतेदा साबिक क्रिकेटर और दिगर लोगों ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को मशवरा दिया कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मैच का बायकॉट कर दें, और वीरेंद्र सहवाग भी उन्हीं में से एक हैं जो इस बात की हिमायत करते दिखाई देते हैं। दोस्तों, इनका मजीद कहना था कि अगर पाकिस्तान में मैच नहीं भी होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तायम हमें मुल्क के बेहतर मुफाद में सोचते हुए फैसला लेना चाहिए। दोस्तों, इनका मजीद कहना था कि अभी तक बहस जारी है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जंग करनी चाहिए या नहीं, और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला जाए या नहीं। भारत को वही करना चाहिए जिसमें उसकी बेहतरी हो, क्योंकि दोनों पड़ोसी मुमालिक के दरमियान क्रिकेट का मैच भी किसी जंग से कम नहीं होता। और वीरेंद्र सहवाग का यही कहना था कि भारत को ये जंग जीतनी चाहिए, हारना नहीं। दोस्तों, याद रहे कि ICC वर्ल्ड कप 30 मई से 14 जुलाई तक इंग्लैंड में खेला जाएगा। तमाम टीमें राउंड वन में 9-9 मैचेस खेलेंगी, जिसके बाद नॉकआउट राउंड शुरू होंगे। दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग ने मजीद कहा कि पाक भारत मैच एक जंग की तरह होता है और हमें ये जंग लड़कर हर सूरत हाल में जीतनी है। क्रिकेट सियासत में आने से मुतालिक सवाल पर वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि क्रिकेट में हमेशा मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, चाहे वो IPL हो या रणजी ट्रॉफी, और वैसे ही कोई भी सियासी जमायत मुझे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट देगी तो मैं इस पार्टी में शामिल हो जाऊंगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। और अगर कोई सियासी जमायत मुझे 100 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट देती है तो मैं सियासत ज्वाइन करने के बारे में सोच सकता हूँ। दोस्तों, याद रहे कि वीरेंद्र सहवाग ने 104 टेस्ट, 251 वनडे और 19 T20 में भारत की नुमाइंदगी की है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।